जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित टैक्सी यूनियन के चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव प्रक्रिया में टैक्सी यूनियन के 122 सदस्यों ने भाग लिया और नई कार्यकारिणी के लिए वोट किया। टैक्सी यूनियन की नई कार्यकारिणी में कविंद्र ठाकुर को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया, तो वहीं प्रधान पद की जिम्मेवारी प्रबल कुमार को दी गई। इसके अलावा पुनीत गौड़ को उप प्रधान के पद पर मनोनीत किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कविंद्र ठाकुर को 63 वोट पड़े, जबकि प्रधान पद के लिए उम्मीदवार प्रबल कुमार को 72 वोट पड़े। इसके अलावा उप प्रधान पद के लिए पुनीत गौड़ को भी 69 वोट मिले। वहीं कार्यकारिणी में 5 पद को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था। अध्यक्ष कविंद्र ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा उपाध्यक्ष मोहर सिंह, महासचिव हरिराम, सहसचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष इंद्रदत्त शर्मा व मुख्य अड्डा प्रभारी विजय राणा को टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने निर्विरोध चुन लिया था। प्रधान प्रबल कुमार का कहना है कि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसके अलावा टैक्सी यूनियन की प्रमुख मांगों को लेकर भी वे जिला प्रशासन व सरकार के समक्ष वार्ता करेंगे। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले तो मैंने जो कुल्लू टैक्सी यूनियन में जो चुनाव लड़ा है अध्यक्ष पद का, सबसे पहले तो मैं आप सभी ऑपरेटर भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। समस्या जो भी आएगी उस पर हम खरा उतरेंगे, उसको निभाने की मतलब कोशिश करेंगे। जो नहीं सरकार के पास हमारी जो टैक्सी वालों को मतलब ना यानी कि अनसुना करने की जो है उसके ऊपर भी प्रयास करेंगे। और मैं सबसे पहले जो अपने सभी टैक्सी भाइयों का ऑपरेटर भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद पर जो है मुझे जीत दिलाकर मुझे जो है कुर्सी पर बिठाया है। मैं कुल्लू टैक्सी प्रेसिडेंट बना हूँ, इसके लिए मैं सभी भाई टैक्सी ऑपरेटर कुल्लू जो मेरे साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो समस्या उनकी मैं हल करना चाहूँगा। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।